अस्सलाम दोस्तों, आज हम जस्ट फॉर व्हील्स के लिए एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको कार रिव्यू तो नहीं, लेकिन एक गाड़ी को, ऑटोमेटिक कार को कैसे चलाया जाता है, हाउ टू ड्राइव ऑटोमेटिक कार, ये आप इसमें दिखाएंगे। और हमारे और इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि गाड़ी को ड्राइव करने का सही तरीका क्या है और गाड़ी को किस तरह हम लोगों ने रोड पे रह के सेफली ड्राइव करनी है, ठीक है। और हम यहाँ पे बाबर भाई के पास आ जाए हैं फिर दोबारा जस्ट फॉर व्हील्स के लिए। इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलें, बड़ा मजा आएगा आपको। आ जाएंगे। कार को कैसे चलाया जाता है, हाउ टू ड्राइव ऑटोमेटिक कार, ये आप और ये मैन जो है ये जब गाड़ी आप किसी नंबर टू पे गाड़ी फर्स्ट गियर की लगती है वैसे शॉर्ट टच चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि बाकी तो ये कार बज़ाहिर डैशबोर्ड हो गया है इसका, बाकी सब चीज़ें वैसी ही होती हैं। इसमें जो मेन डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि ये जो आपका पैडल है, ये जो ये रेस और ये ब्रेक, मैनुअल कार में आपको यहाँ पे क्लच मिलता है, इस जगह पे यहाँ क्लच होता है, बाकी ये ब्रेक और रेस एज इट इज़ ऐसे ही है। ये यहाँ से सिर्फ आपने जस्ट ये रेस एंड ब्रेक ये बस मैनेज करना है, इसके अलावा बाकी ये आ गया इसका मेन पार्ट, इसका ऑटोमेटिक गियर। ये अभी पार्किंग में खड़ी है आपकी, ये देखिए ये जो इसके ऑप्शंस हैं ये देख लीजिए, ये हैं पी फॉर पार्किंग, जैसे भी खड़ी है पार्किंग में तो ये पार्क यहाँ पार्क करके खड़ी कर देंगे आप, आर फॉर रिवर्स, और ये एन जो है ये न्यूट्रल के लिए है, जब गाड़ी आप जैसे मैनुअल में भी न्यूट्रल होती है, जब आपने गाड़ी चलानी है तो फिर आपने इस डी में करनी है, डी फॉर ड्राइव के लिए, और ये टू इसमें गाड़ी फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही रहती है, जब आप किसी रैंप पे चढ़े हो, हाइट पे चढ़े हो, और ये बिल्कुल ही आपने स्ट्रेट कहीं पे गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रख के आपने लेके जानी है बिल्कुल ही हाइट पे, तो आप इसे एल पे रखेंगे, अदरवाइज ड्राइव के लिए आप ये डी पे रखेंगे। डी पे रख के आपने सिंपली इसका रेस एंड ब्रेक, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो दोस्तों अभी आपको हम गाड़ी ड्राइव करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये देख रहे हैं इसका बटन, ये बटन आप दबाएंगे, ये डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, इसमें बटन ये ऐसा है, ये करके आपने ये रिवर्स कर लिया, अब ये गाड़ी अब हमने इसको ड्राइव पे करके ये देखिए ये गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी आप जब भी आप चलाएं उसमें ये ज़रूर माइंड में रखें, जब भी गाड़ी में बैठने लगें सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप गाड़ी के चारों टायरों को चेक कर लें कि आया कि कोई आपका टायर पंचर तो नहीं है। सेकंड थिंग जो मेन इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग चेक नहीं करते, आप गाड़ी के रेडिएटर में उसका पानी चेक कर लें, जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। और जो तीसरी चीज़ है, आप गाड़ी की देख लें, गाड़ी की आपकी ऐसी जगह पे तो कोई पार्ट नहीं है कि जहाँ निकालते ही आपकी किसी फुटपाथ से टच लेगी, या कोई जानवर तो आपकी गाड़ी के टायर के आगे पीछे नहीं बैठा हुआ, ये चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं जो हम लोगों को केयर करनी चाहिए। बाबर भाई आप जिस तरह बताते हैं, ये अपना कहना है, ये जो अपने वाइपर्स हैं उनको हमने उसको डेली चलाना चाहिए जिसकी वजह से इसकी मोटर्स जैम ना हो, और ये मिरर्स वगैरह भी हैं ये भी जैम ना हो। ये अमूमन लोग सिर्फ बारिशों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मैंने गाड़ियों में देखा है, नई गाड़ियों में तो नहीं, पुरानी अक्सर गाड़ियों के अंदर ऐसा हो जाता है कि ये जैम हो जाती है इसकी मोटर, और ये जो शावर मोटर है ये भी काम नहीं कर रही होती, और इसकी जो वाइपर मोटर है वो भी ख़राब हो जाती है। तो हम लोग से इसको बारिश के लिए रखा हुआ आता है कि सर ये बारिश के लिए नहीं है, इसको नॉर्मल डे में भी हम यूज़ करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये सीट बेल्ट, जिसका सबसे बड़ा फायदा कि आपको एक्सीडेंट से बचाती है, और एयरबैग्स भी खुल जाते हैं, एयरबैग भी खुल जाते हैं, यहाँ पे इसके एयरबैग हैं, यहाँ से इसके जब एक्सीडेंट, खुदा ना खासा एक्सीडेंट के दौरान ये खुल जाते हैं। और आजकल कराची में
बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आपने अगर ये सीट बेल्ट नहीं पहनी तो दूर से देखते जो शिकारी है ना आपको रोक लेंगे। शिकारी में आपको दिखा, शिकारी भी दिखा ले, खड़े हैं सारे शिकारी, ये नजर आए सामने भी खड़े हैं दो शिकारी, ये शिकारी एक खड़ा है और दो शिकारी यहाँ पे भी खड़े हैं हमारे पास। जी दोस्तों, ये आप मेरे आगे ये गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं ना, तो जब भी आप ड्राइव करेंगे आपने ऐसे ड्राइव करना है कि आपको अपने से नेक्स्ट कार के, अगली गाड़ी के टायर नजर आए, अंदर घुस नहीं जाना उस गाड़ी की जाके, मतलब उस गाड़ी से इतना गैप जरूर रखना है कि आपको उसके टायर नजर आए। और दूसरी चीज, जब आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाना तेज चलाना नहीं होता बॉस, गाड़ी चलाने का मतलब होता है कि आपकी ड्राइव से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी पार्किंग से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी ड्राइव से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। गाड़ी लेके हवा में उड़ जाना ये ड्राइविंग नहीं होती, ड्राइविंग स्किल्स हैं आपके, वो बेसिकली यही होते हैं कि आप अच्छी ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें, जिसमें आपके साथ बैठा हुआ बंदा सेफ फील करे, ना कि बेचारा आप गाड़ी चला रहे हो तो उसकी भी हवाएं उड़ी हो, तो बेहतर ही। और दूसरा चीज, आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी का फ्रेम, जो भी गाड़ी में आप बैठे हैं, होंडा सिटी में, सिविक में, फॉक्सी में, मेहरान में, ऑल्टो में, शराड में, जिसमें भी आप बैठे हैं, आपके माइंड में अपनी गाड़ी का फ्रेम का मतलब कि मेरी गाड़ी का कितना कितना एरिया कवर कर रही है, ये आपके माइंड में होना लाजमी है, तब आप अच्छी गाड़ी चला पाएंगे, सेफ ड्राइव कर सकेंगे। ये जो गाड़ी सामने नजर आ रही है इसके टायर नजर आने चाहिए, टायर नजर आ रहे हैं, अगर आप ये करते हैं ये तो ये गलत, दैट्स रॉन्ग। इसमें ये होगा कि आप अगर अगला बंदा इमरजेंसी में ब्रेक लगाता है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा 90% हो जाता है, फिर भी आपने अगर आजमा के देखना है तो देख लीजिए। कुछ और मुझे शेयर करनी थी, वो ये थी कि जब आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो गाड़ी की एवरेज बड़ी मैटर करती है, जब आप शहर में चलाएं, अगर आप एक चीज़ और बता दूँ कि ऑटोमेटिक कार एज कम्पेयर टू मैनुअल कार ज़्यादा फ्यूल लेती है, मैनुअल कार का फ्यूल एवरेज ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है, इसका फ्यूल एवरेज जो होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक चल रही होती है, अगर आपके पैर, ये अपने जो रेस का पैर है ये आप ज़्यादा दबा के चलाएंगे ऐसे, तो ये गाड़ी अच्छी एवरेज नहीं देगी। अगर आप हल्का पैर रख के गाड़ी को चलाएंगे, लॉन्ग पे जा रहे हैं, लॉन्ग पे अच्छी एवरेज आपको चाहिए तो हल्का पैर रख के चलाएं, गाड़ी आपको बहुत अच्छी एवरेज देगी, पेट्रोल पे भी, सीएनजी पे भी। और आप अगर दबा के रखेंगे, उसको खींच के रखो, तो फिर गाड़ी की एवरेज में अच्छा खासा फर्क आता है। तो इस चीज़ को भी जरा अपने माइंड में रख के चलाएं, सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, ये मेरा मैसेज है अपने न्यू ड्राइवर्स के लिए। और जिन बच्चों की भी डोरेमोन जैसी मूछें आ जाती हैं उनको बाइक या गाड़ी मत दें यहाँ से। और इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे बाबर भाई को, बाबर भाई की बातें बड़ी ज़रा थोड़ी सी समझदारी वाली होती हैं, और इनको फॉलो करने से बड़ा इंसान को इफेक्ट होता है, और बड़ा यानी कि इससे फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि सेफ़ ड्राइविंग और सेफ़ ड्राइविंग की जो चीज़ें हैं इंसान को जो बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए, बाज़ औक़ात लोगों को बेसिक्स पता नहीं होती, स्टीयरिंग के पीछे कौन है इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो सही गाड़ी को ड्राइव करता है तो डेट विल बी गुड। बस मेन चीज़ ये है बॉस कि आपको ये थाट माइंड में रख के चलानी है कि आप जब रोड पर निकलेंगे तो आपको अपने आप को बचाना है, आप गलत हैं बाकी सब ठीक है, ठीक है, ये थॉट रख के चलाएंगे तो आपके लिए गाड़ी चलाना ज़रा आसान होगी। बाकी बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने का, हमारी वीडियोस को सपोर्ट करने का, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, और लोगों को भी दीजिए कि बस हम लोगों को सब्सक्राइब करें, जस्ट फॉर व्हील्स को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।